दिन बारिश हो रही थी तेज तेज, और ये लोग नहीं गए थे, ये लोग अब जा रहे हैं क्योंकि बारिश रुक गई है। सही है, बाय। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो ये उसी दिन की क्लिप है, बच्चे ट्यूशन जा रहे थे तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अरबिश तो निकल गई लेकिन छोटे बच्चे रह गए थे। तो फिर चले अब आ जाते हैं अफ्तारी पे। अफ्तारी में फटाफट से तैयारियाँ चल रही हैं, पहली अफ्तारी है और सहरी भी मैं साथ साथ चढ़ा रही हूँ क्योंकि गैस का कुछ नहीं पता। सो मैंने कहा कि चल रहे फटाफट से कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया गोश्त में, और उसमें हमारे यहाँ बड़े मज़ेदार सा कढ़ाई का मसाला मिलता है, वो 2 चम्मच डाल दिया, टमाटर पीस के डाल दिया, और फटाफट सी कढ़ाई तैयार है। तो बस इतनी सिंपल सी, और जब मुझे खाने का टाइम आएगा तो उस पर मैं धनिया और मिर्चें डाल दूँगी। और आप लोग सुनाए कैसी की आपका रोज़ा कैसा गुजरा? हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा, और बस काम काम में गुजरा। जल्दी खड़ी हो गई थी मैं 4 बजे तक सारी सहरी अफ्तारी की तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी इतना लेट हो गया कि हस्बैंड को बीच में मुझे बुलाना पड़ा। जल्दी जल्दी उन्होंने गिलास धोए, बाउल धोए, क्योंकि वो शीशे के थे तो मैं अरबिश को नहीं दे रही थी। जल्दी जल्दी से काम करवाया, फिर हमने एक प्लेटर बनाया और फिर वो हमने एक जगह भेजा। तो आज की हमारी अफ्तारी इस तरह से गुजरी, इंशाल्लाह आगे की भी आपसे शेयर करेंगे। और बस क्या ही बात है रमज़ान की और इसकी नेमतों की, कि किसी का भी दस्तरखान जो है खाली नहीं होता। आज हम जिस दिन हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, और उसी दिन जो है ना दस्तरखान पूरा भर जाता है, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ आ जाता है। अच्छा, जो ये पतीला आपको जला हुआ दिख रहा है ना, ये इस वजह से कि मैंने इसी में टमाटर जो है जलाए थे। तो नहीं, असर की अजान हो गई, अब इनका रोज़ा शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं ये लोग। सही है, ने अपने पापा के साथ जा रहे हैं नमाज पढ़ने, और इनके पापा लेके नहीं जाते हैं, मुझे भी डर लगता है, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया है तो इसको जाना चाहिए, इसको समझ में आएगा, और शौक भी हो रहा था। तो मैंने कहा कि पापा के पास बैठे रहना जब तक पापा नमाज नहीं पढ़ लेते, तो और नमाज भी पढ़ के आए हैं, जो जो थे इनके वही ये भी थे। तो माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं कि अब ये नमाज के लिए जाने लगे हैं, और शलवार कमीज़ नहीं थी तो लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा खासा बड़ा सूट है आप ले जाएँ। तो आज जो है इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं इनको पहनाऊँगी शलवार कमीज़, और ये जो है हमारी इफ्तारी फटाफट सी रेडी हो गई। रेसिपी देने का बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बहुत काम मेरे रुके हुए थे। तो बस ये यहाँ पर एक इफ्तारी का प्लेटर तैयार हो रहा है, और ये मेरा 2 साल पुराना प्लेटर है, ये मैंने दराज से मंगवाया था, और ये मुझे इफ्तारी के लिए मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो मैं इसी में इफ्तारी भेजती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने यही इफ्तारी की क्लिप्स बनाई है, और मेरे हस्बैंड आज फर्स्ट टाइम जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जो है व्लॉग बनाया थोड़ा सा। तो मैं जल्दी जल्दी से इफ्तारी की प्लेटर बना रही थी, तो वो मेरे लिए व्लॉग बना रहे थे। सो मैं आपको दिखाती हूँ। एलिगेटर गोद में ले जाता है। एलिगेटर आ रहा है। खा जा इसको, खा जा, बहुत तंग करता है ये। चलो चुपचाप, एलिगेटर आ रहा है। इसको तो कच्चा चबा जा। चलो गेम खत्म, टाटा पाटा। सो ये था छोटा मोटा सा मेरा व्लॉग इफ्तारी का, और सहरी का भी बनाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, काम तो ख़त्म नहीं होने वाले, और फिर कभी इंशाल्लाह शेयर करेंगे इफ्तारी आपसे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।